हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हमने सूजी का हलवा बनाया है। जब भी आपका मन कुछ मीठा खाने को कहे तो ये रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। देखिए कितनी खुली खुली और अच्छी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक कटोरी घी ले रही हूँ। इसको हम पैन में डाल लेंगे। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट छोटे छोटे कट कर लिए हैं, काजू और बादाम इनको डाल लूंगी। थोड़ा सा हम चम्मच से चलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें लाल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा तल लेंगे। फिर हम ये जो रवा है, बारीक रवा सूजी, हम इसमें डाल लेंगे। एक कप मैंने बारीक सूजी ली है और एक कप घी लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। मैंने ये बारीक सूजी ली है, जो बहुत बारीक आती है वो सूजी ली है, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। देखिए मैंने लो फ्लेम पर रखा है और अच्छे से चलाते हुए भून रही हूँ। हमें इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। इसको हम अच्छे से, जब तक खुशबू आती है तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए तब तक हमें भूनना है। हम जितना अच्छा सूजी को भुनेंगे उतना ही अच्छा खुला खुला हमारा हलवा बनेगा। देखिए अच्छे से मैं इसे भून रही हूँ। देखिए सारे ये बबल्स आ रहे हैं। अभी ये सिर्फ एक मिनट भुनेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डालूंगी और थोड़ी सी इलायची, दो इलायची मैंने दरदरा कूट लिया है, वो भी इसमें डाल लूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। हमने जितनी सूजी ली है हमें उसका तीन हिस्सा पानी डालना है। एक कप मैंने सूजी ली है तो तीन कप मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने 3 कप्स पानी साइड में बॉईल होने के लिए रखा था, अब इसमें डाल लूंगी। धीरे से हम इसमें डालेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। आधा मैंने डाला है और मिक्स कर लिया और आधा फिर डालूंगी। एक साथ हमें सारा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। ये सारा पानी मैंने इसमें डाल लिया है। देखिए अच्छे से पक रहा है। अभी थोड़ा ये होना है और मैं इसमें शक्कर डाल लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए मैंने शक्कर डाली है तो ये थोड़ा और लिक्विड हो गया है। इसे सूखने तक हम पकाएंगे। जब हम पानी डालते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए ही इसे पकाना है, फिर हमें शक्कर इसमें डाल देनी है। देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सूजी से हमारी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस और थोड़ा ये हो जाए। देखिए ये थोड़ा सा पानी सूख चुका है, मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे ढककर ऐसे ही छोड़ दूंगी। देखिए हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार बनी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।